हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है, जब आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च बार में सर्च करते हैं तो आपका चैनल सर्च बार में नहीं आता है। आखिर क्या कमी है या फिर आखिर आप क्या गलती करते हैं कि आपका चैनल सर्च बार में नहीं आता है? तो मैं आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आप अपने चैनल को सर्च बार में कैसे ला सकते हैं। आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, या फिर टेक का हो, या फिर कॉमेडी का हो, या फिर ब्लॉग का हो, या कोई भी एडुकेशन को, यानी कि कोई भी कैटेगरी का आपका चैनल्स है, तो आप अपने चैनल्स को सर्च बार में कैसे ला सकते हैं अगर आपका चैनल सर्च बार में नहीं आता है। तो अगर आपका चैनल सर्च बार में आता है तब तो ठीक है, बेटर है, यानी कि आपके चैनल्स को कोई भी सर्च करेगा तो आपके चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब भी कर सकता है या फिर आपका चैनल्स को देख भी सकता है। तो अगर आपका चैनल सर्च बार में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपने चैनल को सर्च बार में नहीं ला सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो बराबर मिलती रहे। तो चलिए आइए अपने फोन स्क्रीन पर, चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, हम अपने फोन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, और अभी आ जाइए। आने के बाद सबसे पहले आप अपने वाइट स्टूडियो को ओपन करना है क्रोम ब्राउजर में। तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। जब आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे अपने वाइट स्टूडियो को, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे सिंपली से सर्च पे, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे वाइट स्टूडियो। जब आप सर्च कर लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे आपके फ़ोन में, और आपको ऊपर की ओर ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन का, तो आपको सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है साइन इन पर। जब आप साइन इन पर क्लिक कर देगा तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा आपके फ़ोन में। ये देखिए मेरा ओपन हो रहा है, और आपको यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है कि मैं कैसे और क्या कर रहा हूँ कि मेरे चैनल सर्च बार में आते हैं। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका नहीं आएगा। तो सिंपली से आप इस पेज को यहाँ पे ओपन होगा, इसको कट कर देना है। जब आप कट कर देंगे तो इस तरह से आपका वाइट स्टूडियो ओपन हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउजर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पर छोटा सा लेफ्ट साइड में नीचे में सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे आपके फ़ोन या लैपटॉप में भी, दोनों में सेम प्रोसेस है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि यह सेकंड में लिखा हुआ है चैनल्स, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कीवर्ड यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। मेरा चैनल्स का नाम है डिजिटेक अप है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल्स का नाम कितने टाइप्स, कितने प्रकार से मैंने अपने चैनल्स का नाम लिखा है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिजिटेक अप है, यहां भी लिखा हुआ है डिजिटेक अप है, यहां पे छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है डिजिटेक अप है, यहां पे लिखा हुआ अभय टेक। यानी कि आप अपने चैनल्स का नेम जितने तरीके से लिख सकते हैं आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि हम आपको एक लिख के दिखाते हैं, जैसे कि मेरा नाम चैनल का है डिजिटेक अब है, तो आपको यहाँ पे हम सिंपली से कैपिटल लेटर में लिख के दिखा दें डिजिटेक अब है, इस तरह से लिख के आपको इंटर कर देना है। तो आप लिख कर अपने चैनल्स का इस तरह से पूरे तरीके से, यानी कि 10 से 15 कीवर्ड यहाँ पे आपको भर देना है आपका चैनल्स का नाम। गलत तरीके से भी स्पेलिंग आप यूज कर सकते हैं, सही तरीके से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपने चैनल्स का वर्ड का नेम आगे पीछे, यानी कि अगर आपका चैनल्स कोई भी गलत या सही तरीके से किसी भी तरीके से अगर आपका चैनल्स वहाँ पे टाइप बार सर्च बार में टाइप करके अगर सर्च करता है तो आपका चैनल्स वहाँ पे सर्च बार में आ जाना चाहिए। यानी कि आपको उल्टा सीधा आगे पीछे करके, यानी कि एकदम 10 से 15 आपको यहाँ पर कीवर्ड भर देना है। जब आप यहाँ पर भर दीजिएगा अपने चैनल्स का नेम को, तो आपको यहाँ पर सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस, यानी कि आपका सेव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका चैनल्स सर्च बार में आने लगेगा, या फिर एक दिन के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा तो आपका चैनल सर्च बार में आने लगेगा। और आप YouTube पे जाके और सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए हम आपको दिखलाते हैं, मेरा तो सर्च बार में ऑलरेडी आता है। आपको यहाँ पर जाना है, सर्च बार में लिखना है, देखिए मैं लिखता हूँ डिजिटेक अब है, डिजिटेक अब है। जब आप लिख के सर्च करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मेरा यहाँ पे सर्च बार का नंबर थंबनेल कैसे लगाना चाहिए, कैसे एडिट करना चाहिए, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम एक बात को साथ ही साथ डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे कि आपको कैसे बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आप अपने चैनल को नेम बार बार चेंज करते हैं तो आपका ये ठीक नहीं हुआ और आपका सर्च बार में जल्दी नहीं आएगा। सिर्फ आपको किसी एक नेम से अपने चैनल्स को रखना है ऑलरेडी सदा के लिए। तो आप इस तरीके से अपने चैनल्स को सर्च बार में ला सकते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं, और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।